कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर फिजियोथेरेपी के ऊपर कुछ कॉलेज का नाम और उसमें सीट्स कितनी हैं उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि ये कोर्स 4 ईयर का कोर्स होता है, हाफ ईयर की इंटर्नशिप होती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, 4 साल का कोर्स होता है। काफ़ी स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होती है इस कोर्स के बारे में जानने के लिए, और कुछ स्टूडेंट कमेंट भी किए थे कि सर एडमिशन लेना है, इस कोर्स के बारे में बता दीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में कितने हैं, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, जो अच्छे कॉलेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो आइए हम आपको इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो कि एक बैचलर डिग्री है, 4 ईयर का कोर्स है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप आप कहीं से भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोर्स जिस पे हम लेकर आए हैं, नामनक्लेचर है फिजियोथेरेपी। व्हाट इज़ द ब्रॉड एरिया ऑफ प्रोफेशनल, मेडिकल एलाइड हेल्थ केयर या अदर, ये आता है हेल्थ केयर प्रोफेशन में आता है, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के ऊपर इस वीडियो में, हालांकि वीडियो पूरी बन नहीं पाएगी क्योंकि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही ब्रॉड कोर्स है, सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं फिजियोथेरेपी में, और नेक्स्ट वीडियो इस पे बन जाएगी। हालांकि अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना जानेंगे कि ये कोर्स किस कॉलेज में है, किस यूनिवर्सिटी में है, इसकी फ़ीस कितनी है उस यूनिवर्सिटी में, और सीट्स की संख्या कितनी है, ये इतनी बातें हम जानेंगे इसमें। हालाँकि जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस द्वारा ही इसका एग्ज़ाम होता है, आपकी जो कॉलेज में एंट्री होगी वो एंट्रेंस द्वारा ही होगी। तो आइए हम AMU से स्टार्ट करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर 25 सीट्स टोटल हैं, 5 सीट लेटरल एंट्री के थ्रू हैं, जी हाँ 5 सीट लेटरल एंट्री के थ्रू हैं। लेटरल एंट्री क्या होती है, आइए हम इसको क्लियर कर देते हैं। अगर आप DPT किए हुए हैं, कोई भी डिप्लोमा किए हुए हैं, बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक क्लास आगे ही एडमिशन दे दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन नहीं होगा, सीधा सेकंड ईयर में होगा। मतलब अगर आप BPT किए हुए हैं, 4 साल का BPT कोर्स है, AMU में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सीधा आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं होगा, इसको कहते हैं लेटरल एंट्री। इसके बाद BHU की अगर हम बात करें, BHU जो कि पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सीट्स की संख्या 20 है, ये 2019 से कोर्स आया है BHU में, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फीस की हम बात करें BHU में तो 70,000 अप्रॉक्स फीस है, अगर हम AMU में फ़ीस की बात करें तो AMU में फ़ीस 15,000 अप्रॉक्स है। तो AMU को एक बार हम फिर से कवर कर लेते हैं, AMU में टोटल सीट्स फ्रेश है 20, 5 सीट लेटरल एंट्री है, फीस यहाँ पे है अप्रॉक्स 15,000। BHU में ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, टोटल सीट्स यहाँ पे 20 है, कोई लेटरल एंट्री नहीं है, फीस की हम बात करें तो अप्रॉक्स 70,000 रुपये फीस है। इसके बाद हम बात करें थर्ड नंबर पे SGPGI, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हालांकि इसका फॉर्म चल ही रहा है, अभी अप्लाई हो रहा है, अप्लाई आप कर सकते हैं। टोटल सीट्स की संख्या की बात करें तो टोटल सीट्स की संख्या यहाँ पे 12 है, फीस की हम बात करें तो 70,000 फीस है, जी हाँ 70,000 अप्रॉक्स फीस है इसका SGPGI का। अब हम बात करते हैं UPUMS, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय UPUMS सैफई में इस्टेब्लिश्ड है, इटावा डिस्ट्रिक्ट है, ओनली UP के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सीट्स की संख्या यहाँ पे 60 है, सीट्स यहाँ पे 60 है। इसके बाद यहाँ कोई लेटरल एंट्री नहीं है, ना कि SGPGI में भी लेटरल एंट्री है। फीस की हम बात करें तो टोटल 24,000 के अप्रॉक्स फीस है, 24,000 अप्रॉक्स फीस की है, BHU में है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में, ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। UPUMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस जो कि सैफई में है, इसको आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो UP के स्टूडेंट होंगे सिर्फ वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें जो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वो है SB निरतार, SB निरतार करके ये है स्वामी विवेकानंद रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये है उड़ीसा में है, इसकी अलग ब्रांचेज हैं 3 इंडिया में, इस फॉर्म को ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सीट्स अप्रॉक्स लगभग 60 सीट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे इंटर्नशिप के दौरान। स्टाइपेंड क्या होता है, स्टाइपेंड वो चीज़ है, जैसे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको
कुछ ना कुछ वहाँ पे पेमेंट दिया जाए, गवर्नमेंट द्वारा पैसे दिए जाते हैं आप इंटर्नशिप के दौरान, जैसे MBBS में मिलता है, अदर कोर्स में मिलता है, स्टाइपेंट में पैसे मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंट में पैसा मिलेगा SB निर्तार में अगर आप यहाँ से फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो। स्टाइपेंट कितना मिलता है? स्टाइपेंट लगभग 10 से 14 हज़ार रुपये यहाँ पे स्टाइपेंट इंटर्नशिप के दौरान मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं SB निर्तार। तो ये तीन, फिर जामिया है वहाँ पे भी फिजियोथेरेपी है, वहाँ पे भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी सीट्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा नहीं है, सीट्स कम ही है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज और हैं फिजियोथेरेपी के, BPT के, जहाँ पे आप जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन हमने बता दिया कि 4 साल का कोर्स है, 6 मंथ की इसकी इंटर्नशिप है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो जॉब की बात करें, तो अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं, आप इस कोर्स को कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, कंप्लीट अगर देखा जाए तो ये लगभग 5 साल का कोर्स हो जाता है। तो 5 साल के कोर्स को करने के बाद आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कोर्स तो बहुत हैं, तो इस कोर्स के बारे में बताएं, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम है, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जो सीट्स निकलती हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत ही कम निकलती हैं। जब गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है किसी फील्ड में, जैसे आर्मी में हो गया या स्पोर्ट में हो गया या अदर फील्ड में हो गया, तभी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट वैकेंसी इसमें बहुत ही कम निकलती हैं। अभी कोविड का केस था तो चेस्ट फिजियोथेरेपी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल रही थी। इसके बाद हम बात करें प्राइवेट वैकेंसीज में या प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में इसकी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं डे बाई डे जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ज़्यादा ही खुल रहे हैं। इसके बाद लोगों की समस्याएँ काफ़ी बढ़ रही हैं, क्योंकि उनका जो तौर तरीका है चलने का, पॉस्चर है, ये सारी चीज़ें दिक्कत हो रही हैं डे बाई डे। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा खासा फिजियोथेरेपिस्ट अपना ढूंढते हैं जो उनके नियर अबाउट होता है, वहाँ अपना जाके थेरेपी करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। आइए हम थोड़ा PDF देख लेते हैं। इज एनी फाउंडेशन कोर्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस कोर्स? देयर आर फाउंडेशन कोर्स विच हैज नो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो जाती है, ये कोर्स जो है अगर हम बात करें कुछ जगह पे ये सेमेस्टर वाइज हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है, मतलब जो 4 साल का कोर्स है 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा, हर 6 मंथ पे सेमेस्टर होगा, और इसके बाद इसके अंदर 2 इंटरनल होंगे। अगर हम बात करें तो 1 साल में 4 इंटरनल होंगे, इसके बाद 2 सेमेस्टर होगा, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और कोर्स सेमेस्टर वाइज हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। जैसे हम बात करें UPMS में, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में, यहाँ पे 2022 से सेमेस्टर वाइज कोर्स हो गया है। इसके बाद हम बात करें MU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे भी कोर्स सेमेस्टर वाइज हो गया है। SB निर्तार में बात करें तो यहाँ पे भी कोर्स सेमेस्टर वाइज है। SGPJ BHU के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोर्स सेमेस्टर वाइज हुआ है कि नहीं हुआ इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि जो 2022 सेशन से मैक्सिमम पैरामेडिकल्स के कोर्स सेमेस्टर वाइज हो गए हैं, हालांकि INC ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 2021 से ही अपना कोर्स सेमेस्टर वाइज कर दिया BSc नर्सिंग, लेकिन और जगह पे अभी सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ, अभी ईयर एग्जाम होते हैं पैरामेडिकल के। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही इस कोर्स के बारे में। अगर कोई डाउट्स हो रहा है इस कोर्स से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 8-10 मिनट के वीडियो में किसी कोर्स को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, अदर डाउट्स हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसी कोर्स के अलग ऊपर होगी, क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं पैरामेडिकल्स में, तो नेक्स्ट वीडियो किसी दूसरे कोर्स के ऊपर होगी। अगर आपको कोई अदर कोर्स के बारे में डाउट हो रहा है, उसको भी आप मेंशन कर दीजिए, जो कोर्स करना चाहते हैं, जिस कोर्स के बारे में डाउट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।